नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों में परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। इन परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भर रहे साइबर कैफे द्वारा विद्यार्थियों के साथ ठगी की जा रही है। ऐसा एक मामला सामने आया है जिसमें बीएससी प्रथम वर्ष की एक छात्रा ने इसकी शिकायत की है और शिकायत करते हुए बताया कि किस तरह विद्यार्थियों को ठगा जा रहा है। छिंदवाड़ा के माँ इंटरनेट कैफे के माध्यम से ये ठगी की जा रही है, जहां विद्यार्थियों से निर्धारित रकम से अधिक रकम ली जा रही है। जब इस मामले पर छात्रा के बयान के उपरांत हमारे संवाददाता ने यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से बात की तो उनका जवाब ये था। राजमाता सिंधिया साक्षी कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की छात्राओं के द्वारा जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें एक छात्रा बीए फर्स्ट ईयर की विधि राजपूत, उसने मुझे विज्ञापन सौंपा है और मुझे बताया है कि जो ऑनलाइन में फीस जमा की जा रही है, यूनिवर्सिटी की फीस से ज़्यादा ली जा रही है। मेरा छात्राओं से कहना है, यूनिवर्सिटी की फीस है 1650 रुपये और 40 रुपये फॉरवर्डिंग फीस है, कुल मिला के 1690 ही फीस देना है। कॉलेज के लिए इस संबंध में किसी भी तरह की कोई फीस नहीं देना है। परविधि ने बताया कि इनसे क्यों सेंटर के द्वारा 2000 रुपये लिए गए, वो गलत है। तो छात्राओं को संदेश देना चाहती हूँ कि नियम पढ़ें और जितनी फीस है उतनी ही दें, एक्स्ट्रा नहीं फीस ना दें। बस हम फॉर्म फिल करवाने गए थे, वहाँ पे हमसे 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिया गया। टोटल फीस टोटल 1690 थी, बट उन्होंने 2000 हमसे इम्पोज किया। और सबसे पहले तो कॉलेज में प्रिंसिपल मैम को इन्फॉर्मेशन दिया, तो मैम ने गर्ल्स को अवेयर करवाने के लिए नोटिस बोर्ड पर इन्फॉर्मेशन डाली। क्या होता था, पहले होता था चालान फॉरवर्डिंग फीस होती थी जी, है ना, 261 का ट्रांजेक्शन होता है और वो होता है SBI से असल में, तो उसका हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं। अच्छा, SBI का जो होता है, मतलब एनपी ऑनलाइन से नहीं होता वो, हाँ, तो उसका हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं। तो अभी इस बार यूनिवर्सिटी ने बंद कर दिया है उसको, हाँ, तो वो एक ही फॉर्म जो हुआ था गलती से हुआ था, तो उनको मैंने बोला कि भाई आप वापस ले लीजिए वो चार्ज, बस एक ही हुआ था, बाकी ये सब